मेरी मुख्तसर सी हाजिरी के बाद वो आपसे मुखातिब। मेंबर होता है रुकन, मेंबर उसे कहते हैं जो बुलंद करे। मेंबर बुलंद करने वाले को कहते हैं, और मेंबर पहले दिन से अबू तालिब के बेटों का है। बहुत जी आप मैं फिर फर्क बता दूं अजीजों को कि मेंबर है रुकन, रुकन ये है मेंबर, ये है मेंबर जो बुलंद करे। अब कल्ब और कल्ब आपने सुन लिया, अब मेंबर और मेंबर सुन लें। इबलीस की शूरा के किसी मेंबर को ये इजाजत नहीं कि वो मेंबर पे आए। क्या कहने जी, सलामत, क्या बात है, क्या कहने जीते रहे आप। जी बिस्मिल्लाह, बुजुर्ग हैं, 70 साल से तो ज्यादा होंगे, मालिक सेहत अता फरमाएं, इससे भी ज्यादा लंबी जिंदगी अता फरमाएं। मैं लाउड स्पीकर में आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ, वो बगैर लाउड स्पीकर के पूरे बजमे तक आवाज पहुंचा रहे हैं। 70 साल का बुजुर्ग है, आवाज सारा बजमा सुन रहे हैं, और यही बात हम सारी दुनिया को समझा रहे हैं। 5 साल का हो, 10 साल का हो, 10 साल का हो, 70 साल का हो, 80 साल का हो, 100 साल का हो, दिल में अली की विलायत हो तो उम्र का असर नहीं होता। बहुत शुक्रिया, मेरी हाजिरी भी हो गई, हिस्सा भी मिल गया, खैरात भी, बहुत खूबसूरत आपने सुना। मेरी तवज्जो से अच्छा आपने सुना, तो बहुत देर तक पढ़ने से मजलिस नहीं होती, बस मौला का नाम आ जाए तो हाजिरी हो गई। ये लफ्ज जो मिंबर है, ये भी हमने अपने पास से नहीं लिया, मजलिस भी हमने खुद नहीं तराशा, अलम भी हमने खुद नहीं बनाया, मिंबर भी रसूल ने बनाया, मिंबर भी रसूल ने बनाया, फिर कह रहा हूं मिंबर भी रसूल ने बनाया, मजलिस का भी मुस्तफा ने बताया, अलम का भी मुस्तफा ने खैबर के 39वें दिन बता दिया था, कल अलम उसे दूंगा। आप जी आबाद में सलाम आपकी जिंदगी को, क्या कहने हैं आप जी हैं। किसी आलिम दीन की हैसियत से मैं यहाँ हाजिर नहीं हुआ, जाकिर हूँ, लेकिन एक इल्तमास करूँगा, क्योंकि ये मरकजी मजलिस है, लाइव भी चल रही है, आवाज़ दूर दूर तक जाएगी। मैं इस इज्तमा के साथ मुतालिबा कर रहा हूँ कि हुकूमत वक्त मलऊन गुस्ताख अशरफ हरामी को गिरफ्तार करें, उसकी गिरफ्तारी बहुत जरूरी है मुल्क के अमन के लिए। अय्यामे मुहर्रम की आमद है, फिक्रा मैंने अली रजा उस दिन भी कहा था, हम तो इंतशार पसंद नहीं है, हम तो अमन पसंद है। हमारे मेंबर से कोई इंतशार फैलाए, हम उसकी भी हौसला शिकनी करते, हौसला अफजाई नहीं करते, हम अमन पसंद कौम है। हमारा 2-2 लाख का जुलूस गुजर जाता है, हम रास्ता भी गंदा नहीं करते। आप बेदार होंगे तो मैं कुछ बातें आपसे, 2-2 लाख का जुलूस गुजर जाता है, रास्ता हम गंदा नहीं करते। भाई तवज्जो ने आदे हुसैन जागना, ये अलग बात है कि रास्ता गंदा ना करने वाली साफ शफाफ कौम के उठे हुए पैरों से कुछ हरामजादों के निकाह टूट जाते हैं। क्या कहने आप, ये सलामत
का आपको सवाल। हम बड़ी अमन पसंद कौन, इत्तहाद हम करते हैं, मुआहदे हम करते हैं, मौला हसन ने भी किया, सरकारे दो आलम ने भी किया। आप बड़े खूबसूरत अंदाज से सुन रहे हैं। और मौला हसन ने इसलिए किया था जिसलिए रिसालत माप ने किया इसलिए किया था मुआहदा सरकार इमाम हसन अलैहि सलाम ने, तवज्जो, जिसलिए सरकार रिसालत पनाह ने किया। जब सरकार हसन अमीर ने मुआहदा किया था, मैं इत्तफाक की बात कर रहा हूँ, इत्तहाद की, बेटे देख रहे मेरी तरफ, तो जनाब हुजर बिन आदि ने मौला हसन से कहा, मौला सरकार मौजूद हैं, आप हुक्म दें तो हम आपके बाबा के पाले हुए हैं, आप जहां तक चाहें हम वहां तक चले जाएं। आपने वादा कर लिया। मौला ने फरमाया जंग होती तो फिर हमारी फतह यकीनी थी, जंग होती तो फिर हमारी फतह यकीनी थी, अगर हम लड़ते शाम वालों को कत्ल कर देते, अगर शाम वाले कत्ल हो जाते दुनिया उनको मजलूम कहती है कि वो कत्ल हो गए, हसन कातिल थे वो मकतूल थे, कत्ल हम करना नहीं चाहते थे, हमने सुलह कर ली। वो जब नदी ने पूछा मौला सुलह किस लिए की, मैं देखना चाहता हूँ मजमे में बेदार कौन कौन बैठा। सरकार ने फरमाया अगर जाहिर होने से पहले कत्ल हो जाते दुनिया समझती नमाजी था, हाजी था, रोजे रखता था, ज़कात देता था, हसन ने कत्ल कर दिया, मैंने सुलह करके जरा वक्त की मुहार को लंबा कर दिया है ताकि बनू उमैया की नमाजों के अंदर छुपा हुआ यजीद बाहर आ जाए। यार जिसे बात पहुंची वो हाथ उठाए ना, हिचकिचा के क्यों सुनो, दोनों हाथ बुलंद करो, मिल के बोलो हैदरी। हम अमन पसंद है।